थाना घिरोर क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग लड़के ने फांसी लगाकर जान दे दी। लड़के का शव गांव के बाहर शीशम के पेड़ से लटका मिला। मृतक नाबालिग लड़के पर अपनी ही भाभी से जबरन बलात्कार करने का आरोप लगा था, जिसकी तहरीर मृतक नाबालिग लड़के के बड़े भाई ने थाना घिरोर में दी थी। घटना के बाद से मृतक लड़का फरार था। आज सुबह गांव के बाहर बलात्कार के आरोपी नाबालिग लड़के का शव शीशम के पेड़ से लटका मिला। नाबालिग लड़के का शव मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इस घटना के बारे में एसपी अजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, हर पहलू पर विवेचना की जाएगी, इस घटना की सच्चाई का पर्दाफाश किया जाएगा। हमें जवाब पे कोई पता ही ना है, जाने आरोप बाजे लगाओ तो मैंने जे रंगे हाथन पकड़ो है वो जी। और घर में वो जबरदस्ती कर तो जे लेकर रखी बात सकती, मैंने कोई वही ना देखा ही बात ना करी है। आपका लड़का कितने में पढ़ता था जो जिसकी मौत हुई है? वह पढ़ाई वढ़ाई ना करता। कितनी उम्र थी उस बच्चे की? 15-16 वर्ष तक। तो उसने जो आरोप लगाया उसके बाद में उसका सब पेड़ पर लटका हुआ मिला है, क्या लगता है क्या उसके भाई ने उसको जो है ना ऊपर लटकाया मार के या क्या क्या लगता है? अब मुझे सखर जहाँ में हैराई है जो बाब पे आए रहा हूँ तो जाके संग कह जाने अकेलो या वो उधर संग हो। जब आप तलाश कर रहे थे तो उधर से आ रहा था ये? क्या नाम था बड़े वाले लड़के का आपका? लक्ष्मण। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपके छोटे वाले बेटे की आत्महत्या हुई है, खुदकुशी की है, उसकी हत्या की गई है, खुदकुशी की है? अब या तो जान खुद करी हो या फिर जाके संग साथ ही निकालने या तो करवा हो या हो प्रकरण थाना घिरोर जनपद मैनपुरी का है। इसमें एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई के खिलाफ यह तहरीर दी कि उसका छोटा भाई उसकी पत्नी के साथ रात्रि में 12 से 1 बजे के बीच में जबरदस्ती दुराचार कर रहा था। इस तरह का तहरीर बड़े भाई ने छोटे भाई के खिलाफ दिया। इस तहरीर पर घिरोर पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया, इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, आरोपी छोटे भाई की तलाश की जा रही थी। इसी दरमियान आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास सूचना मिली कि आरोपी छोटा भाई एक गांव से बाहर ही एक शीशम के पेड़ से एक फंदे से लटका हुआ है। इस सूचना पर पुलिस उस बॉडी को फील्ड यूनिट के द्वारा जाँच कराने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेजी है। प्राथमिक दृष्टि से संभावना जताई जा रही है कि संभवतया ग्लानिवश आरोपी छोटे भाई के द्वारा यह घटना कारित की गई है। पोस्टमार्टम के पश्चात स्थिति क्लियर हो जाएगी, हर पहलू पर हम विवेचना करेंगे और इसकी सच्चाई का पर्दाफाश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।